वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में आपको बताएं कि ये मामला विचाराधीन है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील यानी कि अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि बहस के लिए मेरी तैयारी नहीं है, इसीलिए कुछ और समय दे दिया जाए। अब्दुल्ला आजम खान के वकील के प्रार्थना पत्र पर अब अगली जो सुनवाई है, जो अगली तारीख है, दरअसल 26 जुलाई नियत की गई है। 4/19 अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला धारा 420, 467, 468, 471, 120 आईपीसी थानागंज की जो पत्रावली विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है, पत्रावली आज बहस में नियत थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आज अस्तर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि मुझे बहस की तैयारी करने के लिए समय चाहिए, कोई प्रपत्र जो है अभी नहीं निकलवा पाया हूँ और समय दिया जाए, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 26 तारीख की तिथि नियत की गई है।